Hey guys, welcome back to the another vlog. Hope you guys are doing well and absolutely fine. तो हमने सोचा कि आज एक छोटा सा vlog बना लेते हैं घर जाते वक्त. अभी हम लोग अपने किसी काम से आए हुए थे रोहिणी तक और अब घर जा रहे थे. अभी हम लोग पंजाब आ गए तो हमने सोचा कि एक प्योर एंडरनल लाइन का vlog बना लेते हैं. तो स्टार्ट करते हैं, इसमें बहुत मजा आता है मुझे. हाइपर राइड मैन, हाइपर राइड. ब्रेक्स मैन, ब्रेक्स, व्हाट अ ब्रेक्स. इसके ब्रेक्स के ऊपर तो मैं मरता हूँ भाई. हार्ले डेविडसन मैन, हार्ले डेविडसन के ब्रेक्स हैं तुम्हारी हिमालयन में, वो भी अगले वाले. तो ब्रेकिंग तो होगी ना मस्त. कहीं कैसा गड्ढा आ जाए आप प्यार से स्लो कर सकते हो उसको, बिकॉज यू हैव डुअल चैनल ABS एंड साथ में हार्ले डेविडसन 750 स्ट्रीट फाइटर के फ्रंट ब्रेक्स विद कैलिपर एंड डिस्प्ले. देखो ब्रेक देखना, अब आगे रेड लाइट है. मैं अभी 80 पे हूँ, अब देखो मैं ब्रेक लूंगा. अभी 80 पे ही चल रहा हूँ, खींच रखी है मैंने 80 पे, अब ब्रेक लेंगे. ये देखो कितने प्यार से 60-40 और ये 20-0 मैन. दिस इज हिमालयन 411. बस अगर मैं पॉइंट्स के अंदर बात कर लूँ हिमालयन की, दो डिसएडवांटेज और दो एडवांटेज. तो पहले दो एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं. एडवांटेज इसकी मैं ये कह सकता हूँ कि ब्रेकिंग अच्छी है फर्स्ट. सेकंड के एक टूरिंग बाइक या फिर एडवेंचर बाइक कह लो इसको, तो आप इसको कहीं भी चढ़ा के कहीं से भी उतार सकते हो. आपको ट्रैफिक में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है. मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, 4-5 महीने हो गए इसको लिए हुए. कहीं ट्रैफिक होता है और अगर मुझे स्पेस मिला है कि बीच में फुटपाथ है और उसके ऊपर चढ़ के आप निकल सकते हो. मैं रूल तोड़ने वाली बात नहीं कर रहा, आप लोग ये सब ट्राई ना करें. अपनी नॉर्मल बाइक हो या फिर टूरिंग बाइक हो उससे भी ट्राई ना करें. मैं एक बात कर रहा हूँ टूरिंग बाइक की एडवांटेजेस की, कि टूरिंग बाइक कहीं भी चढ़ के उतर जाती है लाइक स्प्लेंडर. ठीक है, आप स्प्लेंडर को कंपेयर कर लो इससे, लेकिन पावर में मत करना भाई. पावर उसकी 100 cc है, BHP उसके साथ है बस. इसके BHP कहाँ है और उसके BHP कहाँ है, तो पावर पे नहीं. लेकिन आज ऐसे स्प्लेंडर आदमी रफली कहीं भी चढ़ा के कहीं से भी उतार लेता है ना, ये उस तरीके से एक पावर्ड बाइक है जो कहीं से भी प्यार से चढ़ती है स्मूथली और स्मूथली उतर जाती है. ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है सबको पता है, शॉकर्स बड़े हैं सबको पता है. तो कोई मैटर नहीं है कि बाइक नीचे से लग जाएगी कहीं तुमने चढ़ा दिए तो, बस आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए चढ़ाने की, दैट्स ऑल. डिसएडवांटेज की बात कर लूँ तो मैं डिसएडवांटेजेस इसकी यही है कि भाई इसके जो स्पोक व्हील्स हैं वो ट्यूबलेस नहीं है. ट्यूबलेस ना होने के कारण कहीं पे भी कील घुसेगी. मेरे साथ भी अक्सर जो होता है कहीं भी कील घुसी और आप वहीं के वहीं बैठ गए, फिर आपको टाइम नहीं मिलता कि आप कहीं इसको घसीट के, मतलब कि चला के ले जाओ. घसीट के तो लेके जाना ही पड़ेगा आपको, पर आप इसे चला के नहीं ले जा सकते किसी भी कीमत पे. पहली डिसएडवांटेज इसकी ये थी. दूसरी कह लो मेरे हिसाब से कि जो डुअल चैनल ABS है, जो पीछे वाला ABS है, उसको आप उतने उस तरीके से ट्रैफिक में यूज़ नहीं कर सकते. क्योंकि या तो शायद आप लोग सही हो गए, मुझे लगाने नहीं आते होंगे, जहाँ तक मेरा वो है आप लोगों को भी आई होगी ये दिक्कत कि आपके चलते चलते एकदम से जो सामने वाले ने ब्रेक मार दिए, ज़्यादा स्पीड नहीं, मान लो 20-25 की 30 की स्पीड है, सामने वाले ने ब्रेक मारे, उसके पीछे जब आपने ब्रेक मारे ना तो आपने पीछे का ABS पूरा दबा दिया. अब वो जो टायर है ना वो रोलिंग हो के ऐसे ऐसे करके रुकता है और उस दौरान गाड़ी प्रॉपर तरीके से रुक नहीं पाती और आगे वाले में लग जाती है. मेरे साथ हमेशा यही होता है. अगर मुझे थोड़ा सा दूर का स्पेस मिल जाता है कि मैं 100 मीटर 50 मीटर भी दूर हूँ गाड़ी से और मैं ABS ले रहा हूँ, तो मेरी गाड़ी बहुत प्यार से रुकेगी, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन वही चीज़ अगर हम नॉर्मल मतलब वही चीज़ हम बिल्कुल करीब से करें ना, जैसे कि मेरे सामने एक ये बंदा आ गया इतनी दूरी पे 20 मीटर पे, मैंने पूरा ABS दबा दिया पिछला, आगे के ब्रेक ले लिए. अब मैं आगे के पूरे तो नहीं ले सकता ना, भारी गाड़ी है फिसल सकती है, पीछे के मैंने पूरे ले लिए, उसके बावजूद भी गाड़ी उससे टच होगी होगी, ये इतना कन्फर्म है. मेरे साथ हमेशा होता है, इसलिए मैं पहले से ब्रेकिंग ले लेता हूँ और अगले वाले ब्रेक तो मेरी कोई सी भी बाइक हो चाहे FZ हो ये हो स्प्लेंडर, मैंने स्प्लेंडर में डिस्क ब्रेक लगवाए इसलिए थे कि मैं फ्रंट ब्रेक यूज़ कर सकूँ. तो मेरी तो पुरानी आ जाता, अभी भी तो हिमालयन के ब्रेक पैड दोनों साथ में चेंज हुए थे. अगले वाले जबकि 1300 रुपये के डलवाए, मैंने महंगे डले हुए हैं, लेकिन अगले वाले अभी भी घिस गए होंगे क्योंकि मैं यूज़ ही अगले करता हूँ, पिछले पे से पैर हटा के बैठता हूँ मैं इसीलिए.
और यही चीज़ अगर आप नॉर्मल मेरी एफजेड में देख लोगे, उसमें सिंगल चैनल एबीएस है, खाली आगे एबीएस है। तो आगे वाले एबीएस का क्या है ना, पीछे एबीएस है नहीं, अगर तुम पावर से मारते भी हो तो इंजन ब्रेकिंग करके रोक लोगे, ठीक है ना, ठुकेगी नहीं गाड़ी, स्किड हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, लेकिन ठुकेगी नहीं। कभी भी रेड लाइट जंप ना करें, रेड लाइट ग्रीन होने के बाद ही निकले। तो हम लोग कहाँ थे, ब्रेकिंग के ऊपर। तो मैं ये कह रहा था कि जब भी मैं अपनी एफजेड के अंदर ब्रेक लगाता हूँ ना, पिछले वाले पावर से भी लगाता हूँ, कि अगर ये जितना दूर मेरे से भी ऑटो है और मैं एबीएस लगाऊं, तो ये देखो ये रुकेगी नहीं, आगे जाए जा रही है, ये लगाने के बाद की बात है, ऐसा होता है इसके अंदर। और अगर मैं यही चीज़ एफजेड के अंदर करूँ तो एफजेड इससे अच्छे ब्रेकिंग नहीं कर सकती, मैं मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कर सकती है, क्योंकि उसमें एबीएस नहीं है ना, तो वो टायर स्किड करके रुका रहता है, वो रोल करके ऐसे ऐसे करके ना, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, मैं समझा नहीं पाऊंगा, ऐसे ऐसे पॉप करके जो रुकता है ना वो, आप लोगों को सबको पता है, जो जो हिमालयन चला रहा है या फिर जो भी डुअल एबीएस चला रहा है उसको सबको पता है कि कैसे रुकता टायर, वो आगे लगने से मुझे बचाता नहीं है कभी भी। बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है इस गाड़ी के अंदर भाई, 5 महीने से चला रहा हूँ। मेरा ओनरशिप रिव्यू का वीडियो मैं इसीलिए नहीं बना रहा कि मैं 10 मिनट का वीडियो बनाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे 10 मिनट का कंटेंट ही नहीं है मेरे पे इस बाइक के लिए, इतनी प्यारी बाइक है ना भाई। मेरा रिव्यू इतना ही रहता है कि भाई अगर पसंद आ रही है पुराना वाला मॉडल, ये वाला 2018, 19, 20, 21, 22, 23 भाई बिना देखे ले लो, बिना देखे कोई दिक्कत नहीं आएगी तुमको गाड़ी के अंदर, इतनी प्यारी गाड़ी है, इतनी मस्त गाड़ी है। सो दैट्स माई फुल वीडियो, दिस इज रोमर कुणाल साइनिंग ऑफ, टिल देन बी सेफ, राइड सेफ। अभी हम लोगों को व्लॉग एंड करते ही यहाँ पे रुकना है, एटीएम एक बार मेरे को कैश आउट करना है।